फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नो साजिद। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ बिट और बाइट के बारे में। आपकी ISP मतलब आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको जो बैंडविड्थ देते हैं, मतलब आपका जो इंटरनेट स्पीड देते हैं, मान लो 30 Mbps का पैकेज है आपका, तो वहाँ पे 30 Mbps का मतलब क्या होता है, 30 Mbps या फिर 30 Mbps। आप एक फाइल डाउनलोड करने वाले हो मान लो 300 MB का, तो वहाँ पे 300 MB का मतलब क्या होता है, 300 Mbps या फिर 300 Mbps। आप ये जो फाइल डाउनलोड करने वाले हो 300 MB का, वो आपकी इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से, डाउनलोड स्पीड के हिसाब से कितना टाइम में वो डाउनलोड होना चाहिए। आपको आपके ISP बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। वैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर करूँगी इस वीडियो के लास्ट में। उससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जानना चाहते हैं बिट और बाइट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन, तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए। अगर आपने अभी तक टेक्नो साजिद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए, यह बिल्कुल फ्री में है। और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो बिट और बाइट क्या होता है? ये होता है डेटा की यूनिट। मान लो आप किसी मार्केट में जा रहे हो, वहाँ पे जाकर आप कुछ खरीद रहे हो, तो आप बोलते हो ना कि 2 किलोग्राम ये दे दो, 250 ग्राम ये दे दो, तो वो जो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम ये सब जो होता है, ये होता है वेट की यूनिट। वैसे डेटा की यूनिट होता है बिट, बाइट, किलोबिट, किलोबाइट, मेगाबिट, मेगाबाइट, गीगाबिट, गीगाबिट, ऐसे ही चलता है, ठीक है। और इसका जो प्राइमरी जो यूनिट होता है वो होता है बिट। अब एक बिट का मतलब होता है एक बाइनरी नंबर। और बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में अगर आपको पता है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर 2 नंबर है, 1 है 0 और 1 है 1, जिसके ऊपर पूरा कंप्यूटर सिस्टम चलता है, ठीक है। अब 1 बिट का मतलब होता है एक बाइनरी नंबर, 0 या फिर 1। और एक बाइट के अंदर होता है 8 बिट, ठीक है, मतलब एक बाइट के अंदर होता है 8 बाइनरी 0 या फिर 1 का कॉम्बिनेशन। और उसके बाद आपको तो पता है कि 1024 बाइट में होता है 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट में होता है 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट में होता है 1 गीगाबाइट, ये सब आपको पता है। लेकिन ये जो बिट मतलब 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट, ये शायद आपको नहीं पता था, तो इस चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। तो 1 बाइट के अंदर हम लोग क्या क्या स्टोर कर सकते हैं? 1 बाइट के अंदर हम लोग स्टोर कर सकते हैं एक लेटर ABCD जो भी है, या फिर एक डेसिमल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो ये सब जो होता है ये एक एक बाइट होता है। आप नोटपैड ओपन करो, अभी आपके कंप्यूटर अगर है आपके पास, तो वहाँ पे आप नोटपैड पे लिखो ABCD, उसके बाद आप उसको सेव करो। आप देखोगे जितना लेटर आप वहाँ पे डालोगे, अगर आप ABCD डालते हो तो वहाँ पे 4 लेटर होता है, तो उस फाइल का साइज होगा 4 बाइट, क्योंकि एक एक लेटर एक एक बाइट की जगह लेता है, ठीक है। तो ऐसे ये काम करते हैं। इसके ऊपर और भी मतलब एक डिफरेंट वीडियो होगा बाद में, तो इस वीडियो में सिर्फ बिट और बाइट के बारे में है। तो बिट और बाइट की कन्फ्यूजन यहाँ पे मुझे लगता है कि आपको मैंने क्लियर कर दिया। आप यहाँ पे बिट और बाइट को कैसे पहचानना है, मतलब आपने नोटिस किए होंगे कि KBPS लिखा होता है, MBPS लिखा होता है, कभी KB/s लिखा होता है, तो इसको कैसे पहचानना है कि कौन सा बिट है और कौन सा बाइट है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है बी के ऊपर। अगर बी स्मॉल लेटर में लिखा है तो इसका मतलब वो बिट है, और अगर बी कैपिटल लेटर में लिखा है तो वहाँ पे उस बी का मतलब होता है बाइट, ठीक है। तो ऐसे इसको पहचानना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मान लो आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको बैंडविड्थ मतलब इंटरनेट स्पीड देते हैं 32 Mbps का, तो यहाँ पे 32 Mbps का मतलब होता है 32 Mbps/s, मतलब 1 सेकंड में 32 Mbps डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से, ठीक है। यहाँ पे वो बाइट में नहीं होता। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो भी हिसाब होता है वो एक्चुअल में बिट में होता है अंदर, लेकिन हम लोग जो देखते हैं वो हम लोग बाहर देखते हैं बाइट में, हम लोग देखते हैं किलो बाइट में या फिर सिर्फ बाइट में, मेगाबाइट में, गीगाबाइट में, तो हम लोग इसको बाइट में देखते हैं, क्योंकि बिट में अगर दिखाता है तो वो बड़ा सा एक नंबर हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग हमेशा बाइट में देखते हैं, ठीक है। अभी अगर हम लोग कुछ डाउनलोड करते हैं और हमारा इंटरनेट स्पीड है 32 Mbps का, तो हमें वहाँ पे 4 MB का आसपास स्पीड मिलता है। वहाँ पे जो बी होता है वो बड़ा वाला बी होता है, मतलब वो MB मतलब मेगाबाइट होता है, तो 4 MB/s, उसको आप 8 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 32, तो 32 Mbps, मतलब 32 Mbps और 4 MB/s दोनों सेम है, तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपका मतलब आपका जो भी इंटरनेट स्पीड है अगर वो बिट में है, तो आप उसको 8 से डिवाइड करो, और उसके बाद आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपको उतना मेगाबाइट आपको स्पीड मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हिसाब होता है। अभी मान लो आप एक फाइल डाउनलोड करने वाले हो 300 MB का, तो यहाँ पे 300 MB का मतलब होता है बाइट में। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अंदर सब बिट में होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं बाइट में, तो यहाँ पे 300 MB का मतलब होता है 300 MB। तो अगर आपकी स्पीड है 32 Mbps, तो आपको 300/32 नहीं करना है, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये आपको कितना टाइम में डाउनलोड होगा, क्योंकि दोनों का यूनिट अलग है, दोनों की यूनिट हमें सेम करना है। या तो हमें 300 MB को 8 से मल्टीप्लाई करके उसको मेगाबिट में लाना है, उसके बाद उसको 32 आपका जो स्पीड है 32 Mbps उससे आपको डिवाइड करना है, या फिर 300 आपको ऐसे ही रखना है 300 MB, उसके बाद उसको डिवाइड करना है 32/8, तो वो हो जाएगा मेगाबाइट में। अभी दोनों मेगाबाइट मेगाबाइट हो गया, तो उसके बाद हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दोनों केस में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे ये कैलकुलेशन होता है, ऐसे आप
हिसाब कर सकते हो कि मतलब जो डाउनलोड आप कर रहे हो वो आपके इंटरनेट स्पीड के हिसाब से कितना टाइम में डाउनलोड होगा या फिर अपलोड होगा। तो ऐसे ये सारी चीजें काम करते हैं। तो ये है बिट और बाइट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ इसी के रिलेटेड। हम लोग हमारे गाँव में ज्यादातर वोडाफोन के इंटरनेट इस्तेमाल करते और उसकी स्पीड काफी ज्यादा कम हो गया था कुछ महीने पहले। तो हम सब लोगों ने मिलकर फेसबुक और ट्विटर पे वोडाफोन के पेज पे वहाँ पे कंप्लेंट किया। उसके बाद वहाँ से एक इंक्वायरी टीम हमारे यहाँ पे आए थे और कुछ लोगों को कॉल किए थे, ठीक है, और उन लोगों को बुला के स्पीड टेस्ट करके दिखा दिया कि ये देखो आप लोग यहाँ पे 2 Mbps की स्पीड मिल रहा है, ठीक है। और वो जो लोग थे वो लोग सोच रहे कि 2 Mbps मतलब बहुत अच्छा स्पीड मिल रहा है, अभी शायद ठीक हो गया। तो वो लोग उन लोगों को छोड़ दिया था और वो लोग जा रहे थे। उसी वक्त मैं वहाँ पे आ गया और मैंने आके देखा कि वो जो Mbps होता है, वो जो Mbps था वो था छोटा वाला बीट वाला। मैं तुरंत उन लोगों को रोका कि ये देखो आप बीट में आप दिखा रहे हो, या अगर हम लोग इसको बाइट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 250 kb के आसपास स्पीड में मिल जाएगा, तो ये तो गलत बात है ना। तो उसके बाद वो लोग गाड़ी से उतरे और टावर पे चढ़ गए और वहाँ पे जाके कुछ ठीक ठाक है, उसके बाद स्पीड थोड़ा इंक्रीज हो गया था। तो आप समझ रहे हो ना कि कैसे ये लोग हमें बीट और बाइट के अंदर फंसा के घुमाते हैं। तो मैंने आपको दे दिया बीट और बाइट के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। अब आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता बीट और बाइट को लेके। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा हेल्प हुआ, आपको कुछ नया जानकारी मिला है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो पे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा ताकि मैं वीडियो में इंप्रूव कर सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप सब लोग अच्छे रहे, स्वस्थ रहे एंड ऑलवेज बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।